पीटीआई के कारकुनों ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे दिया है। नाज़रीन आपको अहम खबर दे रहे हैं, कुछ देर पहले पीटीआई के कारकुन गवर्नर हाउस में दाखिल हो गए थे और अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने धरना दे दिया है। उनके मुतालबात हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध करप्ट है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जब तक बनीगाला से एफसी अहलकारों को हटाया नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं हटेंगे। रबिया खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रबिया खान, और क्या मुतालबा किया जा रहा है कारकुनों की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रैली जब गवर्नर हाउस से गुजर रही थी तो अचानक कारकुनान जो है वो गवर्नर हाउस के गेट नंबर 4 से उन्होंने जो बैरियर्स लगे हुए थे उनको तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए और अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गवर्नर हाउस के गेट के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं। इस सिलसिले में जब हमारी बात कराची रीजन के सदर फिरदौस शमीम नकवी से हुई तो उनका ये कहना था कि गवर्नर जो है वो फेडरल के नुमाइंदे हैं और जो है वो गवर्नर से एक करप्ट इंसान है, उनको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और जब तक एफसी के अहलकारों को बनीगाला से नहीं हटाया जाएगा तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो फिरदौस शमीम नकवी की क्यादत में यहाँ पर बैठे हुए, जबकि जो एक और रहनुमा है उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो कारकुनों को यहाँ से हटाया जाए, जिसके बाद जो है वो खुर्रम शेर दमान और फिरदौस शमीम नकवी जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और इस वक्त जो कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो एक इस गेट पर है, इसके अलावा जो गवर्नर हाउस का गेट है एक इससे अंदर है, तो कुछ कारकुनान जो है इस गेट से अंदर दाखिल होकर अंदर धरना दिए बैठे हैं और फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेर दमान की जानिब से जो है मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद जो है मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद फिरदौस शमीम नकवी अगर एग्री हुए तो उसके बाद जो है वो कारकुनों को यहाँ से हटा लिया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो गवर्नर हाउस पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनको फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया रबिया।